Come this side. Now we reached to gate number 4. These numbers are not given, I am just telling you the number which I can see while traveling. In front of Travelodge Hotel, city center, you can get this gate directly to go on the wall. City center, river. Here you can start trekking. So now this wall is ending here towards city center. I'll take next gate again to climb. Foss River view. Another one is the Foss River. Lots of boats you can see on that side. ये वॉल का नेक्स्ट कॉर्नर था, बट आप अगर इसे देखेंगे तो इसे काट कर बीच में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी बना दी गई है. ये आप देखोगे यहाँ से ये पिलर, उसको कनेक्ट करना चाहिए था उधर वाले पिलर को, बट ये सामने यहाँ पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आ गई है. इसकी हिस्ट्री आपको आगे मिलेगी कि मैंने दिखाया हुआ एक बोर्ड में, जब ये परमिशन ग्रांटेड हुई थी कि वॉल का कुछ पार्ट काट के सिटी के लिए एंट्रेंस बनाया जाए. ऑस रिवर व्यू. यहाँ पर एक चीज़ बहुत देखने लायक है, हर जगह कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है. सामने जो बिल्डिंग है इसकी इंजीनियरिंग बहुत प्यारी है. आप देखो उन्होंने नीचे से ईंट लगा रखी है और ये गाटर एक तरीके से लोहे से डाल रखे हैं. ये आप देखो, मैं जूम कर रहा हूँ तो पूरा जो बालकनी है जो घूमने के लिए बना रखा है वो लोहे के गाटर पे टिका रखा है. ये यहाँ पर ना कल रात तक ये पानी जो था बहुत नीचे था, ये यहाँ कहीं पानी नहीं भरा हुआ था. अभी बाढ़ का पानी छोड़ा गया है तो बहुत सारा पानी हो गया. इधर आप देखोगे सब पानी 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 हो गया है. तो ये गाटर जो हैं इस तरह के, ये लाइट कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, मजबूत होते हैं, ईंट गारा सीमेंट से रिलेटिवली ईजिली कंस्ट्रक्शन हो जाता है क्योंकि आप आउटडोर कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं. और फिर आप देखोगे तो उन्होंने छोटे छोटे भी बना रखे हैं वो उस टाइप के. ये देखो एक अलग सा छोटा बना रखा है, वो अलग सा छोटा बना रखा. तो ये कंस्ट्रक्शन का एक अच्छा तरीका है, जहाँ भी आपको ऐसा कंस्ट्रक्शन करना हो कि जो कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, तो इनके बोल्ट खोल के कभी भी अंदर रख लो और निकाल दो तो उसका. ये बोर्ड बाइले हिल की स्टोरी बताता है. ये बताता है 1069 ईयर में, मीन्स अराउंड 1069 ईयर में, हाउ दिस कैसल वॉज डिमोलिश्ड एंड इट इज स्टिल देयर. वॉल का कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हुआ वो भी यहाँ पे दिखाया बताया जाए. बाहर का व्यू स्टेशन से सिटी सेंटर की ओर आते हुए कल भी मैंने कवर किया था पिछले पार्ट में, एपिसोड में.
अच्छा हर जगह आप यहाँ पर ये वाली लाइन पढ़िए, द सिटी कॉरपोरेशन सिटी काउंसिल वांटेड टू डिमोलिश द सिटी वॉल्स इन अर्ली 1800। सम पीपल एग्रीड दैट द वॉल्स हैम्पर्ड प्रोग्रेस एंड वियर ए हेल्थ हजार्ड। अदर ज्वाइंड ए पब्लिक कैंपेन टू सेव द वॉल एंड गेव मनी। मेजर रिस्टोरेशन ऑफ द सिटी वॉल्स बिगन इन 1829 क्रिएटिंग द पब्लिक वॉक वी नो टूडे। और ये पब्लिक वॉक है, कितनी अच्छी वॉक है। तो हर जगह कुल मिला के मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं या हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस होते हैं उन पे हमेशा पब्लिक की राय बटी हुई होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोग्रेस नहीं होने दे रहा है, डेवलपमेंट में विकास में बाधा है, इसको तोड़ो फोड़ो साइड करो। कुछ लोग बोलते हैं इसको सेव करो बचा के रखो। मैं उन लोगों में से हूँ जो सेव करने के फेवर में रहता हूँ, क्योंकि इस वॉल को रिकंस्ट्रक्शन करके अगर आप देखो तो काफ़ी सेफ बना दिया गया, जो कि मैंने पहले भी बताया था। इधर से मिट्टी पड़ी और ये सेफ बन गई है और आराम से वॉक करते हैं। आज ये पूरा सिटी यॉर्क सिटी इस सिटी वॉल की वजह से काफ़ी फेमस है। और स्पेशली अगर आप देखोगे चाइना वॉल की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम चाइना ऑल्सो, दे आर लुकिंग फॉर दिस वॉल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिटी। अद्भुत दृश्य, सुंदर से घूमते रहो। वेरी नाइस वॉक, यू कीप ऑन वॉकिंग, वन एंड यू कैन सी द सिटी। द सिटी इज लाइक स्टिल वेल डिफेंडेड बाय द वॉल। सो ऑल दीज होम्स आर हेयर, देन दिस वॉल अदर साइड। सो दोज हू आर लिविंग इन साइड दे स्टिल फील लाइक मे बी लिविंग इन ए कैसल फोर्ट, मजबूत दुर्ग के बीच में रहते हुए। मैं सामने रुक के अलग अलग तरीके से यूज होने वाले वॉल के बीच में स्ट्रक्चर होते हैं, इनसे सैनिकों को रसद सामान और वो सब रखा जाता था और पहुंचाया जाता था। आप भी आप हिस्टोरिकल मूवीज में देखोगे तो ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट गेट, दिस इज नेक्स्ट टू मिकलेवर गेट। आई हैव फाउंड दिस व्यू पॉइंट वेरी नाइस। फ्रॉम दिस यू कैन सी सन वेरी क्लियरली विजिबल। फ्रॉम हेयर दिस इज द वॉल कंटिन्यूइंग एंड दिस इज द व्यू पॉइंट। सो डिजाइंड व्यू पॉइंट, you can see here this is the viewpoint, and from this viewpoint I'm just using this space in the viewpoint. You can see I can closely take a look whole view of city very far away. Look, still I can see from here the whole city is visible from here. This construction may be thousands year old, but you can see the engineering of that time, angles, the way it is designed, the way you can see the city. And from this viewpoint I can see the railway station very clearly visible. This is the entrance gate of railway station, and from here I can see all the trains and everything.
वॉल इज स्टिल कंटेनिंग मॉडर्न कंस्ट्रक्शन इनसाइड ऑफ द सिटी। वॉल में आप एक डिफरेंस देखेंगे, सामने की वॉल या अब तक जो मैंने वॉल आपको दिखाई उसमें साइड में लोहे की ग्रिल लगी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक ये लोहे की ग्रिल लगी है। क्यों लगी है आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। ये यहाँ से गाड़ियों के आने जाने की जगह बनाई गई है। और यहाँ से आप हाइट देखो, यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए कोई गिर ना जाए इसलिए ये लोहे के एंगल्स एंड ग्रिल्स लगे हुए हैं। जबकि जहाँ पर ग्रिल्स एंगल्स नहीं लगे हुए वहाँ पे आप देखो हाइट कम है। और ये साइड में साथ लगभग मैंने 2 miles कंप्लीट कर लिया है और ये फिनिशिंग देते हुए आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली लाइक दिस वॉल टूर विच यू कैन ब्राउज सी वाइल सिटिंग इन योर ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम और वर्किंग और इन ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, इफ़ यू लव हिस्टोरिकल प्लेसेस विजिट यू कैन सी दिस वॉल। एंड इफ़ यू रियली लाइक एंड इफ यू सी द एफर्ट आई हैव पुट इज गुड इनफ देन यू प्लीज गिव अ लाइक share with your friends and subscribe to our channel, that would be great.